पटाखा है अपना दिवाली पटाखा यहाँ पे, इसको दिवाली पटाखा क्यों बोल रहे हैं, इसके वजह से बोल रहे हैं, एरो के वजह से, रेव रेव। ये देखो बाबा, ये देखो क्या आवाज था भाई। एकदम क्रेजी इवनिंग बन गया गाइस, मैं तो बस नॉर्मल घूमने निकला था। मुझे गुड इवनिंग एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसी अपनी यूट्यूब फैमिली, होप सो कि सारे लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। तो अभी जो है मैं निकल चुका हूँ एक शॉर्ट राइड पे एंड बस ऐसे ही घूमने चल रहे अपन लोग, तो देखते हैं आज क्या होने वाला है। तो अभी बस नॉर्मल मैं घूम रहा था, तो अभी देखो भाई लोग मिल गए यहाँ पे आने वाले मॉल में। तो ये अपने स्ट्रीट रोशी जी घूम रहे थे मॉल में। अच्छा अच्छा, तो मॉल में घूम रहे थे। तो अभी देखो यहाँ लाइन अप है बाइक्स का एंड देखो भाई पटाखा है अपना दिवाली पटाखा यहाँ पे, इसको दिवाली पटाखा क्यों बोल रहे हैं, इसके वजह से बोल रहे हैं, एरो के वजह से। अमेजिंग भाई, ऊपर से लाइट वगैरह भी लग चुका है लगता है। दिवाली में लाइट लगवाए क्या बाइक में? रेव करिए तो थोड़ा सा, रेव रेव। बेस बहुत तगड़ा है। ये लाइट नया लगवाए हैं? किस दिन लगवाए? रिसेंट। फ्लेम दे रहा है। देखा आप लोगों ने, अभी पूरा पटाखा दे रहा है गाड़ी इनका, एकदम एक नंबर पूरा फ्लेम के साथ। तो यार देखो अब इनको ना गैस सिलेंडर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जब मन करेगा जहाँ मन करेगा खाना बन जाएगा, है ना। बस इस पर फॉइल पेपर लेके आराम से पूरा इसको कर देना है, गर्म होते होते खुद खाना इनका यहीं रेडी हो जाएगा। फक गया गया। धक्का तो थोड़ा सा नहीं होगा। सो यार एकदम गलत टाइम पे ना मेरा जो बाइक है ना वो बंद हो गया और इसका बैटरी जो है ना वो डाउन हो चुका था, जिसके वजह से ना ये स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो अभी मैंने इसको जस्ट स्टार्ट किया है एंड आगे सब लोग जा रहे हैं। तो अभी बस नॉर्मल मैं घर के तरफ लौट ही रहा था कि मुझे सब लोग मिल चुके हैं। तो इधर स्मिथ भी अपना सूट वगैरह कर रहे थे एंड स्ट्रीट रोशी भाई अपना, तो अभिलाष भाई, स्ट्रीट बर्नर्ड एंड अजम भी, आप सब लोग इधर ही थे। तो मैं जा ही रहा था तो मैंने इन लोगों को देखा, तो मैंने भी थोड़ा सा ज्वाइन कर लिया। मैंने सोचा चलो ज्वाइन कर ही लेते हैं। अभी बहुत ही अमेजिंग सा साउंड सुनने को मिलेगा Z900 से आप लोगों को। ओ भाई साहब क्या चल रहा है पापा इधर। ये क्या हो रहा है बाबा। एकदम क्रेजी है भाई लोग। अरे बाबा ये क्या हो रहा है बाबा। ये रहा G900। यार उस बाइक के सामने ना अपने बाइक का ना कोई आवाज ही नहीं सुनाई दे रहा है, मतलब लग ही नहीं रहा है ना कि मेरे बाइक भी मतलब स्टार्ट है ऐसा। गॉड
अभिलाष भाई ना बाइक चला रहा है एकदम अमेजिंग भाई, बहुत ही डरावना, बहुत ही ज़्यादा डरावना टाइप का बाइक चला रहा है यार, देख के एकदम डर लग रहा है मुझे। मैं तो नहीं करने वाला ऐसे राइड। स्मित भैया भी कहाँ कम है, स्मित भैया को भी देखो, ये भी पूरा बाइक उड़ाए हुए। ये देखो बाबा, ये देखो क्या आवाज था भाई, ये आरसी एंड ये मैं। क्रेजी इवनिंग बन गया गाइस, मैं तो बस नॉर्मल घूमने निकला था, मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ मिलने वाला है रास्ते में भाई लोगों का काफिला। तो यार आवाज़ ना एकदम अमेजिंग है, और ना सबसे क्रेजी तो आरसी चल रही है, देन उसके बाद चल रहा है RS 200 एंड लास्ट में चल रहा है अपन लोग का बाइक। तो अपन लोग सबसे पीछे चल रहे हैं, रीज़न इज़ दैट कि अपने को ना तो उन लोग को जाने देते हैं, अपन लोग चलते हैं बोरिंग रोड की तरफ आराम से बैठने। बवाल चीज है, बवाल चीज, यू आर ऑल्सो इन बवाल चीज। गाड़ी तो गाड़ी होता है लेकिन राइडर भी कुछ होता है। तो अभी आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि भाई अभिलाष कैसे बाइक चला रहा है, एक नंबर। मतलब ऐसे लोगों के हाथ में ना अगर Z900 लग जाए ना फिर मजा आ जाना है भाई। तो ये RC 200 है, नहीं RC 125 है, ओ माय गॉड यार, मतलब अनबिलीवेबल चीज़ है। मुझे देख के लग रहा था कि ये 200 है, बट दिस इज़ एन 125 cc बाइक। मतलब देख के बिलीव नहीं होता भाई कि 125 cc की बाइक भी ऐसे चल सकती है। 125 cc है, हमको लगा 200 है या 390 है, इतना भाग रहा था। सही बात है, वही बोल रहे हैं ना कि आदमी पे डिपेंड करता है ये सब चीज़, चलाने वाले पे डिपेंड करता है। लोग कहते हैं कि बाइक पे डिपेंड करता है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। उनको जाने देते हैं, अपन लोग चलते हैं इधर, क्योंकि अपन लोग को अभी अपना ड्यूटी पूरा करना है, देन लौटना है। तो अपना ड्यूटी तो आप लोग को पता ही होगा क्या है, अपना ड्यूटी रहता है इधर घूमने का, घूम फिर के आप लोग को घुमाने का, देन उसके बाद घर जाने का। तो यही ड्यूटी रहता है अपना, रहता था हर दिन, तो आज भी लौट ही रहा था। बट सडनली आई सॉ देम, अचानक से मेरी नज़र पड़ गई उन लोगों पे एंड स्मित भैया पे, क्योंकि उनका 900 लगा हुआ था सामने में, तो मैंने देखा। तो अब मैंने बोला कि चलो भाई अब मिल ही गए तो उनको ज्वाइन कर लेते थोड़े देर के लिए, एंड एक शॉर्ट स्पिन हो जाएगा। एंड आप लोगों ने देखा है भाई क्या मज़ेदार शॉर्ट स्पिन लिया उन लोगों ने, बाबा मज़ा आ गया, दिमाग हिल गया। तो चलो गाइस अब हम लोग लौट रहे घर के तरफ, एंड अभी आप लोगों ने देखा कि क्या सीन चल रहा था। तो अब जो है टाइम हो चुका घर लौटने का, टाइम हो चुका 7 बज चुका है, बट ऐसे तो 7 बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बट ठंड का दिन आ रहा है ना, तो नवंबर दिसंबर आते आते ऐसा हो जाता है कि 5:30 बजते बजते तो अंधेरा हो जाता है, और 6-7 बजते बजते लगता है कितना ज़्यादा रात हो चुका है। तो समर डेज पे ना अपन लोग आराम से 8-9 बजे तक भी बाहर रहते तो कोई दिक्कत नहीं रहता, बट यार जैसे ही विंटर का टाइम आता है ना तो घर वाले भी फ़ोन करने लगते हैं 8 बजते बजते। तो वेल आज का जो ब्लॉग है इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते, ज़्यादा लेंदी नहीं करते, एंड मैं यही होप करता हूँ कि आज का वीडियो देख के आप लोग को मज़ा आया हो, मज़ेदार लगा हो आज का ये वीडियो। तो अगर आज का ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जल्दी से जल्दी भाई 40K करा दो आप लोग यार, 38.5 पे अपना सब्सक्राइबर जो है अटक चुका है, तो जल्दी से इस फैमिली को बढ़ाएं, 40K पे करें, देन उसके बाद 50K हो। तो आप लोग यार सपोर्ट दिखाते नहीं हो, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ भाई को जैसे बाकी लोगों को भी दिखाते हो। तो बस हल्का सा सपोर्ट आप लोग का ना मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन हो सकता है, तभी जाके मैं रेगुलर व्लॉग्स लाऊंगा आप लोग के लिए। तो चलो आज के इस वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल रखते हैं, करते हैं आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड, मिलते हैं एक नई ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।